जय हिंद, जय युवा, जय भारत। नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं। उठो, जागो और तब तक कार्य करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को यह संदेश दिया ताकि हमारे राज्य देश के साथ संपूर्ण मानव जाति का विकास हो सके। लेकिन आज के युवाओं को जरूरत है अपने लक्ष्य को पहचानने की और उसके लिए काम करने की। आज के हमारे स्पेशल शो युवा भारत में हम जानेंगे और आपको मिलवाएंगे उन युवाओं से जिनके कार्य से समाज में बड़ा परिवर्तन आया है। कहते हैं कि छोटी छोटी शुरुआत ही एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है और एक ऐसी ही शुरुआत हुई सवाई माधोपुर जिले में, जहां के एक युवा ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा, उसे साकार करने की शुरुआत अपने ही गांव से कर डाली। सवाई माधोपुर जिले का जटवाड़ा कला नाम का ये गांव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सबसे सफल उदाहरण है। इस गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार के बेटे ने मोदी के सपने को साकार करने की पहल की है और मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने गांव के विकास के लिए काम करने की बात मन में ठान कर गाँव की वेबसाइट बना डाली। इससे ग्रामीणों को जरूरी सुविधाओं की जानकारी एक ही जगह पर मिल रही है। इस वेबसाइट पर गांव से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है, जैसे मतदाता सूची, अस्पतालों में चिकित्सकों की जानकारी, फसलों से संबंधित जानकारी, बीपीएल एपीएल, मनरेगा, स्कूल और अटल सेवा केंद्रों पर होने वाले सभी कार्यों सहित गाँव का नक्शा, आवागमन के साधनों की जानकारी भी। ये वेबसाइट ग्रामीणों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी और उनके मोबाइल नंबर की जरूरत अक्सर गांव वालों को रहती है, जिसके चलते वो सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। क्रेज चल रहा था मोदी जी का डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का, तो उसी टाइम पे मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने गाँव की एक वेबसाइट बनाऊँ जिसमें गाँव वालों की जरूरतमंद की सभी जानकारी उसमें उपस्थित हो, ताकि गाँव वालों को जो कि रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें घूमना फिरना कम हो और पूरी जानकारी उनको एक ही जगह मिल जाए। जैसे ये सब प्रेरणा, जैसे कि मेरा शुरू से मैं सोचता था कि जो आज मैं पढ़ रहा हूँ वो काम मेरी परिवार के काम आए, मेरे समाज के काम आए, मेरे गांव के काम आए और यहाँ तक ही नहीं मेरे देश के काम आए। इसी बात को सोच के मैं प्रेरणा लिया हूँ कि जैसे कि मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। देखा जाए तो आज के जो देश चल रहा है वो जिसमें युवा का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर युवा एक तरह से एकजुट हो जाए और अच्छे काम के लिए प्रेरणा ठान ले तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जटवाड़ा गांव के इस युवा ने गांव की वेबसाइट तैयार कर गांव के लिए जैसे विकास की नई राह खोल दी। अब ग्रामीण अपने गांव में बैठे बैठे ही सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेते हैं। गांव की वेबसाइट बनाने के बाद सवाई माधोपुर विधायक दिव्या कुमारी ने वेबसाइट की लॉन्चिंग करने के साथ ही हरिशंकर को एक नई जिम्मेदारी दे दी और इसके चलते हरिशंकर आज सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत की वेबसाइट बनाने का कार्य कर रहा है। हरिशंकर द्वारा बनाई गई वेबसाइट गांव वासियों से गांव के विकास के लिए सुझाव भी मांगती है ताकि गांव के विकास में उनकी भागीदारी भी बनी रहे। यदि आज हमारे देश का हर युवा इस तरह की सोच रखे और अपने गांव और देश की विकास की बात ठान ले तो सच में डिजिटल इंडिया और डेवलप्ड इंडिया का सपना साकार होने में कोई समय नहीं लगेगा। दोस्तों, युवा का मतलब होता है नई सोच। आज हमारे देश की राजनीति में नई सोच के साथ ही परिवर्तन की भी जरूरत है, लेकिन युवा राजनीति में आना ही नहीं चाहता है। ऐसे में अजमेर की जिला प्रमुख वंदना ने हमारे सामने एक प्रेरणा है, तो आइए जानते हैं वंदना ने कैसे सफर की शुरुआत की। आज
आज हमारे देश की राजनीति को यूथ पावर की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारी राजनीति का चेहरा बदल सकता है। और देश की राजनीति को बदलने का प्रयास शुरू किया है अजमेर की जिला परिषद की प्रमुख वंदना नोगिया ने। वंदना इतिहास में सबसे कम उम्र की पहली महिला जिला प्रमुख। साधारण परिवार में जन्मी वंदना नोगिया ने एमएससी तक पढ़ाई की। वंदना के दादा अजमेर निकाय में पार्षद रह चुके हैं। कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वंदना नोगिया आरएएस की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की सदस्य बनी और यहीं से नोगिया के अंदर छुपे सेवा भाव को पंख लग गए। पॉजिटिव विचारधारा और सेवा भाव की वजह से वंदना नोगिया को जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने का मौका मिला। यूं कहें कि राजनीति की पहली सीढ़ी वंदना ने चढ़ी ही थी कि नोगिया का प्रथम प्रयास ऐसा रंग लाया कि आज वो जिला प्रमुख बनकर अपनी जनता की सेवा कर रही है। सोसाइटी से उनकी एक पर्सनल सोच होती है वहाँ के लोगों की, कि उनके आशीर्वाद से, स्नेह से मुझे ये दायित्व मिला है कि उनकी मैं किस प्रकार से उनको अपनी आवश्यकता, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। हालांकि मैं एक महिला हूँ और एक गांव के मैं रहती हूँ, गांव के एरिया में, और सिटी के जस्ट पास दोराई गांव मेरा है। वहाँ पर मैंने देखा कि किस प्रकार छोटी छोटी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, और जो महिलाएं होती है वह अशिक्षित हैं और पढ़ नहीं पाती, अपनी बेटियां हैं वो पढ़ नहीं पाती है, तो उन्हें किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस विशेष लाभ को मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, वो ये सोचे, हमारे गृह क्षेत्र के लोग ये सोचे कि उस वो मेरे को एक आशीर्वाद दे कि अपनी बेटियाँ आगे बढ़ सके, आगे पढ़ सके और एक अपना रोजगार प्राप्त कर सके। आज वंदना दुगनी ऊर्जा के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से जोड़कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने में नोगिया प्रयासरत है। आज वो अपने क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है, क्योंकि वह जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है ये बखूबी जानती है, इसलिए उनके प्रयासों में महिला शिक्षा सबसे अग्रणी है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि आज के युवा को मैं और मेरा सुख से आगे बढ़कर काम करना चाहिए। उन युवाओं की एक इच्छा होती है कि वह अपनी नई सोच को विकसित करें, और हालांकि इन्हें एक नया मौका दिया गया है। मैं राजनीति क्षेत्र में मानती हूं कि इस प्रकार राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने एक नया योजना दी है, एक नई सोच विकसित की है कि युवाओं को नया मौका दिया जाए। तो यहां पर हमारे भारत देश में बहुत सारे युवा हैं, वो अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि एक नई युवा से एक नई सोच, सकारात्मक सोच आती है। आज का युवा स्ट्रगल से, नए काम से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनके सामने कई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिनका सामना वो नहीं कर पाते। तो इसमें युवाओं से मेरा एक संदेश है कि उनके परिवार के, उनके समाज के और उनके देश के लोग जब एक सकारात्मक सोच लाते हैं और उनके साथ होते हैं, तो उन्हें ना घबराने की आवश्यकता होती है ना किसी विशेष चीज की। मुझे लगता है कि अगर उनका परिवार, उनका समाज अगर साथ में है, तो वे एक सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। आज देश के यूथ को बेहतरीन मैं मानती हूँ कि उन्हें एक सकारात्मक सोच लेकर एक आगे बढ़कर और शिक्षित होना उनके लिए जरूरी है। मैं मानती हूँ कि अगर वो शिक्षित हैं तो वे सोच को और उजागर कर सकते हैं और वो अपने विकास कर सकते हैं। जिस तरह वंदना ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखकर राजनीति और अपने क्षेत्र में परिवर्तन का काम किया है, यदि यही सोच हमारे देश के युवाओं की हो जाए तो हमारे देश की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। किसी के काम आना और पराए का दर्द अपनाना, जहां कुछ युवा आज एक अच्छी नौकरी और लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहे हैं, वहीं जयपुर की मनन चतुर्वेदी ने छोटे बच्चों का जीवन संवारना ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। ये देखिए, कभी कभी जीवन में हुई छोटी मोटी घटनाएं भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है, और यही हुआ मनन चतुर्वेदी के साथ, जब उसने एक बेसहारा लड़की को कचरे के ढेर से भोजन तलाशते देखकर खुद का जीवन, बेबस बच्चों का जीवन संवारने के लिए समर्पित कर दिया। और फिर मनन ने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया।
मनन चतुर्वेदी अब तक लगभग 300 बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा चुकी है। सरकार ने हाल ही में मनन के काम को देखते हुए बाल अधिकारिता आयोग की अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया है। जब मनन को ये जिम्मेदारी दी गई तो उसने मन में ठान लिया कि अब कोई बच्चा सड़क पर भीख नहीं मांगे, बाल मजदूरी बालकों के प्रति बढ़ते अपराध से बच्चों को मुक्त किया जा सके। 16 तारीख को मैं पद संभालूंगी और ये मेरे लिए भार नहीं है, मेरा कर्म है, मेरा उपहार है, मैं इसे करूंगी। और दूसरा, पेंटिंग्स मैं 24-24 घंटे जो सड़कों पे बनाती हूँ वो मैं बनाती रहूँगी। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होगा और मैं ऑनलाइन हमेशा कनेक्टेड रहूँगी और मैं पेंटिंग शहर शहर घूम के बनाती रहूँगी, क्योंकि उसी से धनोपार्जन होगा बच्चों की परवरिश के लिए, संदेश को फैलाने के लिए कि एक भी बच्चा सड़क पर नहीं हो। मनन की इस सोच को फर्स्ट इंडिया का सलाम, जो समाज में पनप रही इतनी बड़ी परेशानी से देश को छुटकारा दिलाना चाहती है और मासूम बच्चों के जीवन को संवार रही है। दोस्तों, जिस तरह से देश के कुछ प्रतिशत युवा देश की प्रगति और मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, यदि सोच सारे देश के युवाओं की हो तो देश की कई सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।